सैमसंग M31S के अंदर चार्जिंग टेस्ट और गेमिंग टेस्ट, दो ऐसे टेस्ट जिसका डिमांड काफी ज्यादा लोगों के द्वारा किया जा रहा था और सबसे ज्यादा डिमांड किया था पबजी को लेकर कि आपको पबजी खेल के दिखाना चाहिए कि क्या इसके अंदर कुछ लैग्स आ रहे हैं। साथ ही साथ मैंने इसके अंदर फ्री फायर और फेल्ट 9 खेल के दिखाया है और आपको मालूम चलेगा कि गेम किस प्रकार से परफॉर्म कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि चार्जिंग जो स्टार्ट हो रहा है वो 0% से मैंने इस चार्ज को लगाया है, जहां पे मैंने फोन को पूरा ड्रेन करने के बाद ये फोन चार्ज में लगाया था। लगभग 50 सेकंड के आसपास लगा था ये फोन को 1% तक आने में। स्टार्टिंग में आप सभी को मालूम है कि जब भी हम फोन चार्ज में लगाते हैं तो स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि फोन की पूरी बैटरी खाली कर दी थी मैंने, तो इसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगा था और 50 से 60 सेकंड के बाद ये फोन 1% शो कर चुका था। और उसके बाद जब इसकी चार्जिंग शुरू हुई तो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, बीच बीच में मैं गेमिंग के परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगा। अभी मैं आपको एसफॉल्ट 9 के बारे में बताऊंगा कि कैसा यह गेम चल रहा था इसके अंदर, और वीडियो के अंदर आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ मेरा जो ओपिनियन है वो भी आप सुन सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप गेमर हैं और गेमिंग करते हैं फोन के अंदर तो आपके लिए ये देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एसफॉल्ट के अंदर जो सेटिंग्स हुई करने के बाद जब गेम स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद जो गेम चलना शुरू हुआ है तो क्या बताएं, गेम शुरू होने पे आपको लग रहा होगा कुछ लैग्स दिख रहे हैं। ये लैग जो है ये फोन का लैग नहीं है, क्योंकि मैंने जो रिकॉर्डर यूज किया है वो इतने फास्ट रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था, मतलब उसमें फ्रेम ड्रॉप हो रहे थे और उसके कारण आपको लैग दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है क्या ये लैग के कारण गेम पे कोई असर पड़ा, अगर असर पड़ता तो इस गेम में आप देखोगे कि मैं टॉप नहीं आता। मेरे दोस्त के द्वारा कुछ प्ले किए गए, कुछ मेरे द्वारा प्ले किए गए हैं, तो लेकिन जो मेरे दोस्त के द्वारा प्ले किए गए हैं और उसमें वो फर्स्ट आया तो वो वीडियो मैंने यहाँ पे आपको लगाया है और दिखाया है। आप देख सकते हैं कि बिना किसी टेंशन के ये चल रहा है आपका गेम, और साथ ही साथ पहले जो राउंड में फोर्थ आया था उसके बाद धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ। 12% तक का बैटरी आप देख रहे हैं कि 14 मिनट में चार्ज हो चुका है, मतलब ये कि 15 मिनट के आसपास आपका अगर फोन चार्ज हो रहा है तो आपको 0% से 12% देखने को मिलेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात को कि स्टार्टिंग में आपको स्लो चार्जिंग होता है, जब 20% के बाद अगर बैटरी चार्ज में लगाते हैं तो आपका फोन जल्दी चार्ज होता है, तो ये ध्यान रखिएगा बात। हमेशा आप जीरो करके तो फोन लगाने वाले नहीं है, तो ये चीजें कंडीशन चेंज हो जाती है। सबसे बड़ी बात है गेम खेलने के बाद जब ये देखा आपने कि एक नंबर भी आ सकता है इंसान इस मोबाइल से, इसका मतलब क्या है कि मोबाइल के अंदर जो चीजें दी जा रही है वो बढ़ नहीं है, वो आपको सही तरीके की चीजें गेमिंग के अंदर दी जा रही हैं। हाँ, ये आपको बता दूं कि एसफॉल्ट 9 के अंदर जो जहां तक हमने प्ले किया उसमें कोई भी परेशानी हम लोगों को झेलनी नहीं पड़ी है, था वो बाकी मोबाइल्स में जैसा होता है उसी प्रकार का था। तो आप देख रहे हैं बैटरी चार्ज जो है 23% पहुंच गया है 32 मिनट के आसपास में, तो ये जो है कई बार कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि आपका एनवायरमेंट कैसा है, साथ ही साथ आपका सप्लाई कैसा आ रहा है और बैटरी चार्ज उस प्रकार से होता है। तो ये मत सोचिएगा कि स्टार्टिंग में जितना टाइम ले रहा है उतना ही टाइम आगे लेगा, आपको मालूम चल जाएगा, वीडियो लास्ट तक देखिए। उसके बाद मैंने फ्री फायर खेलने की कोशिश करी और ये फ्री फायर मेरे द्वारा खेला गया है और इसके अंदर कोई भी लैग 1% का नहीं आया था। जब मैं गेम प्ले कर रहा था फर्स्ट क्लास गेम चल रहा था और इसके साथ ही साथ मैंने अच्छा खासा इसका मतलब लगभग 1.5 घंटे खेल के देखा, कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब फिर से आ गए हम चार्जिंग टेस्ट के ऊपर जहां पे लगभग 30% की बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी 42 से 43 मिनट के अंदर, और ये दावा थोड़ा सा कुछ और किया गया था, लेकिन मैंने पहले बताया आप लोगों को कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है और फर्स्ट टाइम चार्ज हो रहा है इसलिए थोड़ा ज्यादा समय ले रहा है, लेकिन एक बार यूज करने के बाद चार्ज करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता दें कि 30% से 41% होने में सिर्फ 17 मिनट का टाइम लगा। तो जहां पे 40% तक के आपका मोबाइल चार्ज हो चुका है, अब चलते हैं पबजी का टेस्ट करने के लिए, जहां पे आप मोबाइल में पबजी का गेम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये रिकॉर्ड हो रहा था तो ये आपको एक्सट्रीम मोड में गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और एक्सट्रीम मोड के अंदर आपको थोड़ा सा फ्रेम रेट डाउन था और साथ ही साथ आपको लैग्स दिखने को मिल रहे थे, लेकिन एक्सट्रीम के अलावा बाकी किसी भी मोड पे आपको कोई भी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ ये बात लगभग 2-3 लोगों ने प्ले किया और सभी ने ये बात बोली है, मतलब ये कि गेम में अगर आप स्मूथ पे रख के खेलते हैं पबजी तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। आप यहां पे वीडियो में देख रहे होंगे किस प्रकार से गेम खेला जा रहा है और जो स्मूथनेस पबजी के अंदर है वो आपको अगर आप नॉर्मल गेमर है तो आपको कोई भी परेशानी बिल्कुल क्रिएट नहीं करने वाला है। उन सभी के लिए अच्छा साबित हो सकता है जो कि आधा घंटा से 1 घंटा पूरे दिन के अंदर गेमिंग करते हैं, उनको बैटरी बैकअप बढ़िया चाहिए, साथ ही साथ चार्जिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा है और फोटोग्राफी बढ़िया है, तो उन लोगों के लिए ये फोन आराम से यूज करने लायक है। तो आगे फिर से चार्जिंग की तरफ चलते हैं, जहां पे 50% चार्ज बैटरी हो गया 1 घंटे 15 मिनट में, और उसके अगले 15 मिनट में फिर से 10% हो गया जो कि 61% पे ले जाता है, और उसके 10 मिनट में वो चार्ज हो गया आपका 71% तक चला गया और साथ ही साथ ये स्पीड बढ़ती गई। लेकिन आपको बता दें कि 80% से 90% के बीच में थोड़ा सा टाइम बढ़ गया और वो लगभग 12-13 मिनट के आसपास आ गया,
और उसके बाद जो बैटरी चार्ज होनी शुरू हुई, जो कि 95% तक मैंने चार्ज किया है क्योंकि उसके बाद मुझे कहीं जाना था, तो 95% तक पहुंचते ये 2 घंटे लगभग 12-13 मिनट ये ले चुका था, और उसके बाद 4-5 मिनट में बैटरी फुल चार्ज हो गया, मतलब कि 2 घंटे 20 मिनट में ये 100% चार्ज हुआ है पहली बार। तो दोस्तों ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लेने की कोशिश करी है, माइक्रो का भी यूज़ किया और इसी फोटो को मैंने बड़ा करके दिखाया है आपको आगे, जो कि अच्छा साबित होता नजर आ रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि जो स्क्रीन है, इसका डिस्प्ले जो आप देख रहे हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त है और इसका कोई भी टक्कर नहीं है इसके आसपास के रेंज में, पहली बात। बैटरी को लेके चार्ज करने के बाद इसको डिस्चार्ज करने में इतना ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गेम खेलो, बहुत ज़्यादा चलाओ, तब जाके वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है। क्योंकि मुझे टेस्ट करना था इसलिए मुझे डिस्चार्ज भी करना पड़ा, और साथ ही साथ आपको बता दें कि लगभग 10 से 12 घंटे लगातार यूज़ करोगे तब भी नहीं जाएगा इसका बैटरी, और इसके लिए वीडियो आप देख सकते हैं एक गीकी अभिषेक का, जो कि मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको और भी बातें बता दें इस फ़ोन के बारे में कि कैमरा जो है, जो मैंने आपको फोटोग्राफ्स दिखाए हैं उससे आपको मालूम चल रहा होगा कि ये कैमरा भी आपको अच्छे क्वालिटी का ही दे रहे हैं। प्रॉब्लम कुछ इशूज स्टार्टिंग में हो सकती हैं, लेकिन कुछ अपडेट्स जो बीच में आए थे सैमसंग के, उसके बाद मुझे लगता है आने के बाद ये सारी चीज़ें इनकी तंदुरुस्त हो गई हैं। तो आप नॉर्मल यूज़र हो तो ये फ़ोन ले सकते हो, लेकिन आप अगर हेवी गेमर हो और सिर्फ गेमिंग करते हो 4 से 5 घंटे तो ये आपके लिए फ़ोन नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से 90% लोग इस प्रकार के होते हैं जिनको हल्का फुल्का गेमिंग चाहिए, और साथ ही साथ आपको डिस्प्ले पर ज़्यादा भरोसा होना चाहिए, आपके बैटरी बैकअप पर ज़्यादा भरोसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो उन सभी को ये फ़ोन अच्छा साबित होता नजर आएगा। तकनीकी स्तर के ऊपर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी, चैनल को पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी कर लिया है तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, कोई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच देखने के लिए।